हैप्पी न्यू ईयर मेरी यूट्यूब फैमिली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5 लक्की विनर को उनके घर तक कुछ चीज़ें सिमेट्रिक चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट अपलोड करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बताना है जिसकी वजह से आप लक्की विनर बन सकते हो। 5 only 4। वीडियो का टॉपिक है कि शक क्यों क्रिएट करते हो। अब शक निकाल के फेंक दूंगा मैं आपका, जो भी माइंड आपका क्रिएट होने लगता है, जो भी शक आते हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना कि शक फालतू का आते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। आपका पार्टनर सही हो फिर भी आप शक करते हो और ऐसी बुनियाद खड़ी कर देते हो शक की कि रिलेशनशिप टूट जाता है और ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप रोते रहते हो। तो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहाँ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। और 5 लक्की विनर को मेरी तरफ से न्यूयॉर्क का गिफ्ट दिया जाएगा। यार आप लोग इतना प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। मैं पोस्ट अपलोड करूँगा 8 बजे, वो तो आपको इंस्टाग्राम पे आने के बाद ही पता चलेगा। विजय मीणा 1226 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रेड कलर के सर्किल में देख लो, वहाँ आप सर्च करना और मुझे फॉलो करना। और पोस्ट रात को 8 बजे अपलोड होगी, वहाँ एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा, वहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है वो तो आपको पता चल जाएगा, फिर मैं आपके घर तक वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो जल्दी आ जाओ, ये भाई का प्यार है और कुछ नहीं है। आप इतना प्यार देते हो तो मेरी तरफ से छोटा सा प्यारा गिफ्ट आपके लिए, बड़ा यूनिक और स्पेशल होएगा ये गिफ्ट। और उनका नाम मैं अपनी YouTube फैमिली में लूंगा, उनको गिफ्ट मिलने के बाद उनकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो चलो जल्दी आ जाओ इंस्टाग्राम पे, अब वीडियो पे आते हैं। सबकी यही प्रॉब्लम है, शक की वजह से रिलेशनशिप ज़्यादातर खराब होते हैं। आपको पता है 75% रिलेशनशिप शक की वजह से खराब होते चले जाते हैं। हल्का सा शक दीमक के रोग की तरह लगता पूरा खोखला कर देता है और रिलेशनशिप ब्रेकअप तक पहुंच जाता है। वाई क्रिएट नेगेटिव, मतलब आप हर चीज़ें नेगेटिविटी क्यों सोचते हो, नेगेटिव चीज़ें क्यों क्रिएट करने लग जाते हो, क्यों सोचते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड इसके साथ चल जाएगी तो प्यार हो जाएगा, इसको सेक्सुअल लाइफ हो जाएगी, मेरा बॉयफ्रेंड इसके साथ चल जाएगा तो प्यार हो जाएगा, उसको वो सेक्स वैक्स कर देगा। मतलब सबके माइंड में ये थिंकिंग आती रहती है कि यार वो उस लड़के से बात कर रही है तो कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा, वो उस लड़की से बात कर रहा है कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। बट ये सिचुएशन आप क्रिएट करते रहते हो यार, दोस्त भी तो हो सकते हैं, बहन भाई भी तो हो सकते हैं। एक दोस्ती का रिलेशनशिप से मतलब अलग फंडा होता है यार। तो दोस्ती लड़की से भी की जा सकती है, लड़के से भी की जा सकती है। अगर आप नेगेटिविटी सोचोगे तो 100% आपका ब्रेकअप होगा, ज़्यादा सोचोगे तो मरोगे। हद से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है। मेरे सेकंड पॉइंट में ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, अगर आपका बॉयफ्रेंड किसी लड़की से बात कर लेता है, उसको ड्रॉप वगैरह कर देता है, तो आपके मन में शक क्रिएट हो जाता है, खोने का डर, अरे यार ये इससे प्यार ना कर ले, वो ना कर ले, इससे बातें करता रहता है, ये ना कर ले। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको सब चीज़ें बता रहा है तो डरने की क्या बात है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात कर रही है सब चीज़ें बता रही है तो डरने की क्या बात है। अगर आपको वो बॉयफ्रेंड की फ्रेंड अगर हजम नहीं हो रही तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड को बैठाओ या गर्लफ्रेंड को अपने पास बैठाओ या कॉल पे बात करो आसानी से या आराम से कि यार आप लोग ये हरकतें मत करो, मुझे पेन होता है, मुझे डाउट आता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और मेरा मन नहीं करता। ये चीज़ अगर आप करोगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अगर आप शक करोगे, गुस्सा करोगे, इग्नोर करोगे, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करोगे तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। हर जगह नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं होता, हर जगह इग्नोरनेस नहीं काम करती। ईगो आप में है तो आपके पार्टनर के अंदर भी ईगो होगी, तो इन चीजों को आप समझो। बात करने से प्यार नहीं होता, अगर ऐसे प्यार होता तो गली मोहल्ले में अंकल आंटी मम्मी पापा पता नहीं कौन क्या एक दूसरे से प्यार करने लग जाते। तो ये चीजें माइंड से निकाल के फेंक दो। एक एग्जांपल दूं, स्कूल में हम जाते हैं, आप लड़की हो, आप हर लड़कों से बात करते हो, क्या हर लड़के आपके बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, हर किसी से आपको प्यार हो जाता है, नहीं ना। आप लड़के हो, स्कूल कॉलेज में जाते हो, लड़कियों से मिलते हो, क्या हर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड हो जाती है, नहीं ना। तो हर किसी से प्यार नहीं होता, प्यार एक से होता है और मरते दम तक उसी से होता है। बट कुछ फ्रॉड होते हैं उनका कह नहीं सकते। अगर आपका पार्टनर आपको एक एक चीज़ बता रहा है तो शक करने की कोई वजह ही नहीं बनती। समझ गए, नहीं समझे, वेरी गुड, समझ गए। तो सेकेंड पॉइंट, दुनिया का सबसे बेस्ट पॉइंट है, डीपली इंटरफेयर, मतलब आप अपने पार्टनर की जड़ों तक घुस जाते हो तो फिर तो शक क्रिएट होएगा और रिलेशनशिप तबाह हो जाएगा, किसी का बाप नहीं बचा सकता। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा आ गया, वेरी गुड, फर्स्ट टाइम में ही आ गया है। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड किसी से बात कर रही है, बॉयफ्रेंड किससे बात कर रही है, तूने 10 मिनट बात करी है 12 सेकंड तक है, तूने 15 मिनट बात करी है, तू तो ऑनलाइन आई थी, तू मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं तेरे को मैसेज कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या,
इस तरीके से आप ट्रीट करते हो, ठीक है भाई उसकी लाइफ है, आपको रिप्लाई नहीं करा, उसका मन नहीं था, वो सोच रही है कि फ्री होके रिप्लाई कर दूंगी या सोच रहा है फ्री होके रिप्लाई कर दूंगा, तो क्या दिक्कत आ रही है? जितना घुसोगे उसकी लाइफ में उतनी लातें पड़ेंगी, उतना शक आएगा, ठीक है। आप ट्रू कॉलर पर चेक कर रहे हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल रहे हो, मैसेंजर पर चेक कर रहे हो, फेक आईडी बना रहे हो, क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू यार। आज कोई मुझे मैसेज कर देता है, बहुत से हजारों मैसेज आते हैं, मैं किसी का रिप्लाई कर देता हूँ, एक्स एक्टर मेरी गर्लफ्रेंड फेक आईडी बना ले, हाय हेलो हो जाए, थोड़ी फ्लर्टबाजी हो जाए, तो ये थोड़ी मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया, मुझे प्यार हो गया, ये चीज़ें नहीं होती। खुद पर लेकर देखो, आप भी तो लड़कियों से बातें करते हो, आप भी तो लड़कों से बातें करते हो, तो पार्टनर पे क्यों इतना शक करते हो, क्यों इतनी रोका टोकी करते हो? कोई जेल में कैदी है क्या, वो मुजरिम है क्या, कि तेरे पे तो लगी धारा है 520, अब तो तू कैदी है, अब तो तू जेल में ही रहेगा, सड़ा गुस्सा खाना खाएगा। ये चीजें निकाल के फेंको, नहीं तो गर्दन मरोड़ के पार्टनर तोड़ देगा, चौराहे पे खड़ा कर देगा और भाग जाएगा किसी और के साथ, फिर रोती रहना बसंती देवदासनी बन के, पौआ लेके दारू का ठेला खोल लेना फिर। क्यों ये हरकतें करते हो, क्यों मूर्ख बनते हो? आज से शक करना बंद करो, डीपली घुसना बंद करो। बस दो लाइनें कहना चाहूंगा ट्रू लव करने वालों के लिए, 2020 आ चुका है, अच्छे से जियो, प्यार से जियो, मतलब पार्टनर पर शक मत क्रिएट करो। आपको अपने प्यार पे यकीन नहीं है, आप खुद सोचो मैंने इतना प्यार दिया है, कहीं जा ही नहीं सकती, ये जा ही नहीं सकता, क्यों जाएगा? मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, इस तरीके से अपने आप में पॉजिटिविटी भरो, नेगेटिविटी आएगी नहीं आपके अंदर यार, क्यों छोड़ेगा पार्टनर आपको? आप खुद ही सोचो, उसने आपको अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? क्योंकि आप में कुछ क्वालिटी है। आपने उसको अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाई? क्योंकि कुछ क्वालिटी है, दोनों की हार्ट बीट मैच करी, दोनों में फीलिंग आई, इसलिए आप एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, तो वो किसी और में इन्वॉल्व क्यों होगी? एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर घर में हमें पैसे मिलेंगे तो हम बाहर कमाने नहीं जाएंगे, अगर हमें घर में प्यार मिलेगा तो हम बाहर मुंह नहीं मारेंगे। अगर आप अपने पार्टनर की केयर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो वो कहीं और मुंह नहीं मारेगी, नहीं मारेगा। ये लाइफ का रूल है, फंडा है, इन चीजों को समझो, समझ गए? अब इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लक्की 5 विनर को मेरी तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट मिलने वाले हैं और बड़े प्यार से आपके घर तक डिलीवर होंगे और एक स्पेशल मैसेज उस पर लिखा रहेगा। तो जल्दी इंस्टाग्राम पे आओ, विजय मीणा 1226 फॉलो करो और 8 बजे आज पोस्ट अपलोड होएगी, फिर एक मैसेज अपलोड होएगा। 24 आवर्स के लिए मैं वेट करूंगा, फिर आपको 2-3 दिन बाद मैं मतलब बता दूंगा कि क्या आप विनर बने हो या नहीं बने, और आपका घर का एड्रेस लेके आप तक सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा और आपसे कॉल पे बात करूंगा। तो जल्दी आ जाओ इंस्टाग्राम पे। वापस मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी विजय मीणा 1226, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो।